वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आज हम चले हैं एक नए सफर पे। आज हम कहाँ जा रहे हैं? पूरा उलून डेनू प्रातन। हाँ, एक्चुअली जो ये जॉब है ना, मैंने एनी को दे रखी है। मुझे नाम प्रोनाउंस नहीं होते तो इसलिए मैं एनी को बोलता हूँ, ये वाले नाम वगैरह बताएं। तो जो मैंने अभी चेक किया गूगल के ऊपर, ये जो टेम्पल है ये गॉडेस ऑफ वाटर का टेम्पल है, जो एक ना कोई पॉन्ड टाइप, कुछ लेक टाइप की बनी है, उसके बिल्कुल बीचों बीच है। तो वहाँ चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करने को है, क्या क्या टिकट्स वगैरह हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ चल के अब देखते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये उबुद से अराउंड 44 किलोमीटर दूरी पे है। तो हमें आई थिंक अराउंड वन आवर या वन एंड हाफ आवर लग जाएगा वहाँ पहुँचने में। तो वहाँ पहुँच के बाकी आपको सारा वहाँ की इन्फॉर्मेशन देते हैं। आओ चलें, लेट्स गो। जाने से पहले अपनी मोटो को बाय कर देते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको अपनी मोटो। मोटो चलो बाय कर दो, बाय। अभी चलते चलते रास्ते में हम रुके, हमें ना कुछ एकदम बढ़िया सा लैंडस्केप दिखा, लगा कि जैसे कोई नकली होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो थोड़ा मेरे पीछे की तरफ देखो, ऐसे लग रहा बिल्कुल ये नकली है, पर नहीं है, असली है। कोई कलर करेक्शन नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल है। मैं आपको ना इसको बैक कैमरा से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसमें कोई भी कलर करेक्शन नहीं है और कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। क्या बेहतरीन और सुंदर वादी है। ओए मतलब स्कूटी से जाते जाते ना हम खुद को रोक ही नहीं पाए यहाँ पर रुकने के लिए। अब यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, 5-10 मिनट यहाँ इस व्यू का मजा उठाते हैं और एक आधी फोटो वगैरह क्लिक करते हैं। फोटो तो अच्छी अच्छी क्लिक होगी, अब चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो यहाँ एंट्री पे अपने गणेश जी की मूर्ति है और साइड में यहाँ लिखा है सलामत दातंग, जिसका मतलब होता है वेलकम। अराउंड हमें 1 घंटा 15 मिनट लगे हैं उबुद से यहाँ पहुँचने में, और 44 किलोमीटर का पूरा ये रास्ता था। तो काफ़ी सुंदर ये रास्ता था। आप अगर आओगे तो बाइक वगैरह से मैं रिकमेंड करूँगा आप बाइक वगैरह से आएँ। गाड़ी वगैरह में ना आप इतना एंजॉय नहीं करेंगे जितना बाइक राइड पर आप एंजॉय करेंगे। और एक और चीज़, इलाका थोड़ा ठंडा है तो पतली सी एक जैकेट या पैंट वेंट डाल के ना, मैं तो निक्कर में आया हूँ, बहुत ठंड लगी थी रास्ते में, है ना। लिटिल कूल दिस वे, लिटिल कूल बिकॉज सो मेनी ट्रीज एंड ग्रीन ग्रीन एंड वी आर गोइंग माउंटेन के बिल्कुल बीचों बीच है ये जगह। तो अब हम अंदर की तरफ चलते हैं, टिकट्स वगैरह लेते हैं, देखते हैं कितने की टिकट है। पार्किंग के आई थिंक अराउंड 2000 रुपये हैं, जो 10 या 20 रुपये के आसपास ही होते हैं। अब अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं। हाँ जी, टिकट मिल गई। हाँ। कितने की है? तो आपको एक अपडेट देनी थी टिकट के बारे में। ये जो 30,000 रुपए की टिकट है, ये है लोकल की टिकट, जो होते हैं अराउंड 150 या 160 रुपए के आसपास के होते हैं। मैं एनी का पति हूँ तो उन्होंने पूछा, हाँ जी आपके पति हैं? तो एनी ने कहा हाँ, तो उन्होंने मुझे फिर लोकल वाली टिकट दी। और अगर आप फॉरनर हैं तो आपके लिए टिकट होगी 75,000 की, जो होते हैं अराउंड 375 रुपीज़ की, करेक्ट फॉरनर 375। हाँ, अगर आप फॉरनर टिकट लेते हैं तो आपको छोटी सी पानी की बॉटल भी वहाँ पर फ्री मिलती है। लोकल को पानी की बॉटल नहीं दी, हमें सिर्फ टिकट दी है ये वाली। चलो कोई नहीं, मैं तो फायदा मेरा फिर भी। अब अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं अंदर। चलो, तो ये है जगह उलून दानू परातन, राइट, उलून दानून परातन, ठीक है। अब अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं। आप देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुल व्यू है, वहाँ चल के आपको मैं अब टेम्पल वगैरह दिखाता हूँ। तो यहाँ की एंट्रेंस है, अब चल रहे हैं अंदर की ओर। ये मुझे ना बाली में इस तरह के गेट्स वगैरह ना हर तरफ आपको दिख जाएंगे, मुझे बहुत पसंद है इस तरह के गेट। तो हम उस ब्यूटीफुल लोकेशन के पास बिल्कुल पहुंच चुके हैं। आपने ये लोकेशन काफ़ी सारे वॉलपेपर्स वगैरह के अंदर देखी होगी, अगर आप बाली की टूरिज्म वेबसाइट भी खोलते हैं तो टॉप पे इसी का वॉलपेपर है। वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो टेंपल है ये त्रिमूर्ति का टेंपल है, ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ पे तीनों की पूजा करी जाती है ताकि ये जो वर्ल्ड है मतलब ये बना रहे, यहाँ की जो भी सृष्टि एकदम मतलब चलती रहे। तो इसलिए यहाँ पे तीनों त्रिमूर्ति की यहाँ पे पूजा होती है इस टेंपल के अंदर। तो यहाँ पे नॉर्मल टूरिस्ट का जाना अलाउड नहीं है, जो पूजा के टाइम जो भी सारा सामान यूज होता है वो सारा यहाँ पे रखा गया है। तो जो मंदिर के यहाँ पुजारी वगैरह होते हैं वही यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सफर कैसा है ये सफर?
आई जस्ट नोटिस दैट दिस इज हिंदू टेंपल एंड सो मेनी मुस्लिम ऑल्सो कम हेयर टू विजिट दिस प्लेस. या दिस इज ब्यूटी ऑफ माई कंट्री. वी रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन. हाँ, इंडोनेशिया में आपको सारे रिलीजन मिल जाएंगे, हिंदू, बुद्धिज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कैथोलिक, बुद्धा, सिख. अभी मैंने नोटिस नहीं किए, आई थिंक वो भी होंगे यहाँ पे फ्रॉम इंडिया से, वो भी यहाँ पे आए होंगे. तो यहाँ पे सारे रिलीजन है और सबके यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं इसी तरह. वी लव पीस. राइट, संडे का दिन है, काफी सारे टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे आए हुए हैं. इन लोगों ने बहुत शोर मचा रखा जब से यहाँ आए ना, पै 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 लगा रखी है इन लोगों ने. इन लोगों के आने से पहले अच्छा भला हम यहाँ शांति से एंजॉय कर रहे थे, जैसे ही ये ग्रुप आया टैं 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 स्पीकर में फोटो ऐसे खिंचाओ वैसे खिंचाओ, मतलब शुरू ही हो गए हैं. डिस्टर्बिंग और नॉट रीडिंग. हाँ, पता नहीं क्या हो गया. ये हो I think group from college. हाँ, पूरा कॉलेज वाले जाए, फुल शोर मचा रखा भाई, सारी शांति भंग कर दी यहाँ की. तो ये रेस्टोरेंट है बिल्कुल टेंपल के अंदर, और मैं आपको ना इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने मेन्यू लगा रखा है, मैं आपको एक अमेजिंग चीज दिखाता हूँ. टेंपल के बिल्कुल अंदर ही है ये रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, अल्कोहल. तो काफी वियर्ड चीज है मेरे लिए, तो टेंपल के अंदर ये रेस्टोरेंट है और इसी रेस्टोरेंट के अंदर यहाँ पे अल्कोहल सर्व हो रहा है. सही है, डिफरेंट कल्चर, एवरीथिंग डिफरेंट. Yes. इसलिए ट्रैवल करो, आपको सारे कल्चर्स के बारे में पता चले. और इस रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने ना वहाँ पे वो फोटोग्राफी की वहाँ पे पूरी जगह वगैरह बनी हुई है, आप वहाँ खड़े होकर फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं. अभी हम वहीं जा रहे हैं फोटोज वगैरह क्लिक करवाने. आओ, तो इस जगह पे फोटोग्राफी करने के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं है, आप आ सकते हैं और आराम से फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं. Hi guys, look at him. He's getting crazy after watching these all views. बहुत बढ़िया व्यू है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे. आराम से काफी अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर रही है, थोड़ा मेडिटेशन कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे. Look like a fake, but this is real. पूरा फेक लग रहा पूरा, बट नहीं, जैकेट के बिना मत आना. मैं तो यहाँ पे निकर और इसमें आ गया हूँ, हाफ ये टी शर्ट के अंदर भैया, बिना जैकेट के मत आना. वो पेंट डाल के आना पूरी, बहुत ठंड लग रही है, देखो हाथ कितने कूल. सो कूल. तो बताना आपको ये लोकेशन कैसी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी. अभी ना वो जो बोट जा रही है, लेट उसका प्राइस वगैरह पूछते हैं, अगर वो भी ठीक ठाक हुई, क्योंकि हमें बजट ट्रिप के ऊपर, हमें बहुत लंबा टाइम यहाँ पे जाना है, तो प्राइस अगर ठीक हुआ तो कुछ बोट में बैठने के भी ट्राई करते हैं. चलो जो स्पीड बोट के चार्जेस हैं वो है 1.5 लाख रुपए जो होते हैं 750 रुपए, और ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये 5 लोगों के लिए, 5 लोगों ग्रुप जाता है तो आपको एक ही बारी 750 रुपए पे करना है. 750 तो प्राइस तो ठीक है 5 लोगों के लिए, बट हमारे साथ 5 लोग नहीं है, जो भी आ रहे हैं ग्रुप में आ रहे हैं वो जा रहे हैं. तो अगर हम देखते हैं अगर कोई हमारे साथ ऐड हो पाता है तो हम उसमें बैठने की ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो कोई नहीं, इट्स ओके. स्पीड बोट में बैठने दिल 750 रुपए ठीक है यार 5 लोगों के लिए. तो अगर ये सब में डिवाइड भी हो गया तो कितना आएगा, ज्यादा कोई पैसा तो बनेगा नहीं इसका. देखो कोई हमें ग्रुप मिलता, थोड़ी देर वेट करते हैं. आओ आओ आओ. तो मैं अराउंड 15 से 20 मिनट हो चुके, हम वेट कर रहे थे कि 3 लोग हमें और मिल जाएं और हम मिलके स्पीड बोट में चले जाएं, बट हमें लोग वगैरह तो मिले नहीं, और एनी को लग रही है भूख, तो अब हम जाएंगे कुछ खाने पीने. ठीक है, कहाँ चलना खाने के लिए? तो रास्ते में हम कोई जगह देखते हैं वहाँ खाने के लिए. तो यार देखो यार, स्पीड बोट कितना सही लग रही है, वो देखो वो जा रहे हैं, ये स्पीड बोट आई है, बट हमें हमारे बंदे यार कितनी देर हो गई, मैं वेट करते हो, 3 बंदे मिल ही नहीं रहे हमें. अब 2 बंदों के क्या 750 खर्चे, हमने सोचा पूरे 5 बंदे जाएं तो सारा डिवाइड हो जाएगा. चलो भी बड़ी भूख लग रही है यार. भूख लगी है. छोले भटूरे खाने, पाव भाजी. चलो रास्ते में चलते हैं, देखते हैं क्या खाने को मिलता है. आई नो, चावल, चिकन, अंडे. मैक्सिमम ये, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ना क्या कहते हैं पिग और क्या कहते हैं काऊ बहुत मिलती है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी हैं, बट मैं ये दोनों ही नहीं खाता. तो लेट्स सी क्या क्या मिलता है. चलो ठीक है, अब समय आ गया यहाँ से एग्जिट करने का. ये है यहाँ का एग्जिट गेट, चलें बाहर की तरफ. अब लेते हैं अपनी बाइक सबसे पहले पार्किंग में जो खड़ी है. तो ये रास्ते में खड़े होकर शॉपिंग हो रही है, यानी कि स्ट्रॉबेरी खरीदी जा रही है. अंजलिक, हाउ मच के जी? तो एनी ने अच्छी खासी बार्गेन करी है पहले. हाउ मच दे सेड? 40,000 होते हैं अराउंड, ये होते हैं 200 के आसपास, और जो हमने यहाँ पे रेट लगाया वो लगाया 20,000, जो हमारे हो गए अराउंड 100 रुपए. तो हमें काफी अच्छी डील मिल गई है. हाँ,
ये वुमन कहीं भी हो बार्गेन कर लेती है। तो रास्ते में हम बहुत ही सुंदर से रेस्टोरेंट में रुक गए हैं जहाँ के प्राइसेस भी ठीक हैं। तो अभी एनी ने मंगाया है कुएतियाओ, जो होते हैं फैट नूडल्स, ये ऐसे ना फैट नूडल ये है। तो एनी ने मंगाया है और मैंने मंगाया है ग्रिल चिकन। सो बस मेरा आने वाला ऑर्डर, भूख लग रही है बड़ी तेज। तो मेरा खाना आ गया जिसके अंदर है ये कांकुंग चावल ग्रिल चिकन, साथ में सांभल, और अपना सांभल है ये मिर्चों की चटनी, और ये अपना साथ में खीरा वगैरह, थोड़ी हल्की सी मिठास है इसके अंदर और थोड़ा सा तीखापन है। तो साथ में ये पत्ते वगैरह कुछ कांकुम के पत्ते मिले हैं, इसके साथ खाया जा रहा है। अब मैं बैठ के एंजॉय करता हूँ खाने को और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए लाइक कर रहे, सब्सक्राइब कर रहे एंड शेयर कर रहे। हाँ जी, तो तब तक के लिए दस्विदानिया और अलविदा। अलविदा, बाय बाय।